दोनों के स्केचेस रेडी हो गए। आइए भाई आराम, पहले आप आ जाए ना प्लीज, बुलाओ भाई सर हमको, माइक लेकर आइए। आराम ने बनाई है शानदार स्केच। इधर आराम आराम आराम, इस तरफ आराम आराम, इस तरफ आओ, बीच में कोई नहीं बोलेगा, पीछे 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 गाइस पीछे पीछे, तो देखो पीछे। चलो भाई आराम शुरू करेंगे और बताएंगी ये इन्होंने क्या स्केच बनाया है, ये क्या बताओ। ये मैंने राव बेल को देख के मतलब बिल्कुल उन जैसा बनाया है, लेकिन काफी उन जैसे 90% वैसे। अब इनके बाल ऐसे हैं जैसे बर्तन धोने वाला पोछा, मुंह खोलने बर्तन पोछे से नहीं धुलते, नाक सड़े हुए केले जैसा है, कान को साफ करने की निहायत जरूरत है, हर बात कहती है रिपीट करना आवाज नहीं आती, रिपीट करना आवाज नहीं आती, और दिखती बिल्कुल कुल्फी के डंडे जैसी है, वाइपर जैसी टांगे हैं, चूसे हुए आम जैसा मुंह है, पूरा खराब हुआ हुआ टीथ ब्रश है, मुंह बिल्कुल फटे हुए जूते जैसा है, और नाक बिल्कुल सड़े हुए केले जैसा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ज्यादा नहीं, और फटे हुए ड्रम जैसी आवाज है, ये तो मैं स्पेशली कहना चाहती थी, तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, बस इतना बस। चाहो आओ ब्राबेल बताएगी तुम्हें। ये दो पॉइंट्स का गेम है गाइस जी। राबेल को माइक दीजिए, अब बताएंगी राबेल। राबेल राबेल पहले तो ये भेंगी है सबसे बड़ी बात, टिकटॉक में अच्छी लगती है, वो भी एलईडी लाइट का कमाल है। वाँ वाँ वाँ। और ये इतनी अच्छी नहीं है, मैं तो खुद इसको गौर से देखना पसंद नहीं किया। गेम शो में कौन हील्स पहनता है बीबी? बाय द वे, हील पहनने से आपका स्टैंडर्ड ऊपर नहीं होता, सिर्फ हाइट बड़ी होती है। एंड वेरी मोस्ट थिंग, एक और, हील्स के बाद भी आप मुझसे छोटी हो स्टैंडर्ड में भी और हाइट में भी। मुझे लगा कि ये आमिर को देख रही है, लेकिन इसकी तो आंखों का एंगल भी टेढ़ा, ये तो मुझे देख रही है। और लिपस्टिक का कलर ऐसा जैसे थूका हुआ पीक, मेकअप सेंस तो हो बंदे को यार, ऐसा लगता है मुंह में गुटखा डाला हुआ बोल रही होती है जब यब यब। और सबसे बड़ी बात, अपने टीम वाले भी इसको नहीं पूछते, कोई इसको सेकंड लीड में भी ना ले, बोलना ही नहीं आता। ये वो है वो जो नहीं सी व्यू पेप्सी वाली है इसके, वो बोलती है टिपिकल, प्योर टिपिकल। ये क्या, मैं खुद अपनी राइटिंग भूल गई, रुको जरा। और क्या लिखा है आपने? मैं अपनी राइटिंग भूल गई हूं। देख लीजिए भाई टाइम। हाँ यार, इतनी मतलब मैली है कि नहाने के बाद भी हाथ लगाओ तो अपने हाथ ही काले हो। चलो जी टाइम अप गाइस, टाइम अप। वैसे इतने मैंने बहुत लिखा है। चलो भाई डिसाइड करेगी। गेम शो में कॉल हीट पहनते हैं। स्टैंडर्ड पे भी लो ही रहेगा। मेरी टीम बताएगी। हील पहनने से ज्यादा फनी स्केच किसका था? ऊपर हुआ है। टिकटॉकर्स आरंभ में अच्छा लगा। एक वोट टिकटॉकर्स के साथ चला गया जी, बताइए। टिकटॉकर्स, ओ दो वोट्स टिकटॉकर्स, तीनों वोट्स टिकटॉकर्स, चार वोट्स टिकटॉकर्स, पांच वोट्स टिकटॉकर्स, और पूरे छह के छह वोट्स मिले हैं टिकटॉकर्स को, इसलिए दो पॉइंट जाएंगे फिर से टीम टिकटॉकर्स के साथ। आजा हो जाए बैटल जाके। और जनाब ये दो पॉइंट्स तो जीते ही हैं, सजा किसे देनी है? कौन कौन रह गया सजा के लिए? आमिर हो गया, राबेल हो गई, बलाच रह गए हैं, तूबा रह गई है, छुप रही हैं, और अभी अभी हो गई है, अभी अभी नहीं हुई, हो गई सबसे पहले आई थी, हाँ बिलाल भी रह गया है। कौन जल्दी से चले, यहां से हुसैन रह गए, जल्दी बता, जल्दी बताओ। तूबा जी आइए, तूबा जी आइए, आइए तू भाई, लाइट में आएंगे तो नजर आएगी ना, पीछे जाइए थोड़ा सा, वो वाइट वाला बिल्कुल बेहतरीन हाथ पर। दानिश भाई आमिर के लिए एक शेर है, आमिर बहुत हमेशा बोलता है, मेरी आवाज उसको समझ में नहीं आती। खामोश रहो, खामोश रहो, बस चुप। एक मिनट ना, आपसे बात की मैंने, इश्क ने आमिर को निकम्मा कर दिया हाथ पर, इश्क ने निकम्मा आमिर को किया, इश्क ने आमिर को निकम्मा कर दिया, ठीक है। अच्छा है, पहले वो कौन सा अच्छा बंदा था, निकम्मा ही था, और बेचारा निकम्मा भी तो ऐसी इश्क में हुआ जो खुद ही निकम्मी थी। मैं भी बोलूंगी, जो खुद निकम्मी थी बेचारी, बाद में पता लगा।
समझाया था, सुन ही नहीं रहा था। ऐसो के चक्करों में निकम्मा ही होता है बंदा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।